अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है डोनट। ये भी बच्चों की बहुत फेवरेट है डिश। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं 3 टेबलस्पून बटर, 3 टेबलस्पून शुगर, आइसिंग शुगर, कुछ स्प्रिंकल्स हैं और मेल्टेड शुगर है। अच्छा, एक अंडा है, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 कप नीम गर्म दूध, और ये पानी है आटा गूंदने के लिए, ये भी नीम गर्म है, और ये 3 कप्स शुगर है। ये मेजरमेंट कप्स है मेरा जिससे मैं मेजरमेंट करती हूँ। आप घर का किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकती हैं। तो ये अब एक बाउल लेंगे और हम आटा गूंदेंगे। पहले हम इसको छान लेंगे 3 टेबल। अब ये हम मैंने नाप किया हुआ, ये 3 कप पूरे हैं, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के तो छान लेंगे अच्छे से। जी तो व्यूअर्स, ये आटा हमने छान लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून, ये देखिए, ये 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर, 3 टेबलस्पून बटर, 1 अंडा, 2 आपके अगर डो स्टिकी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, जितनी सॉफ्ट डो होगी उतने अच्छे डोनट्स बनेंगे। अब इसमें हम ये नीम को सब आनी है जिससे हम इसको मोड़ लेंगे अच्छे से। व्यूअर्स, हमने अच्छी तरह आटे को गूंद लिया, तो अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे अच्छे से किसी गर्म जगह पर। तो हमने इसे एयरटाइट कर देना, हो सके तो इसको ऊपर किसी चीज़ के साथ इसको कवर कर दो, इसको थोड़ी सी गर्म जगह पे रखें। तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम रख देते हैं। तो चलते हैं हम चॉकलेट सॉस रेडी करने के लिए। तो व्यूअर्स, हमने डो राइज होने के लिए रख दी है, तो अब हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, तो इसका एक क्यूब ले लेंगे, 1 टेबलस्पून बटर है और 1/2 या 1/4 कप आप मिल्क ले लेंगे। तो यहाँ मैंने ये सब कुछ रेडी कर लिया था, मैंने कहा आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे एक पैन में मेल्ट कर लेंगे, जिसमें मैंने बटर, तो ये जो इसकी फ्लेम है आपने बहुत स्लो रखनी है, नहीं तो ये चॉकलेट में जलने की स्मेल आ जाती है। बिल्कुल हल्के हल्के इसको ना हल्की फ्लेम पे इसको चम्मच की मदद से हिला हिला के इसको हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें चॉकलेट चिप्स, स्प्रिंकल्स और नट्स और स्ट्रॉबेरी सॉस, वनीला सॉस, जो भी है आप जो लाइक करते हैं आप डोनट्स पे लगा सकते हैं। आपको पता है बच्चों को तो चॉकलेट फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, चॉकलेट इतनी पसंद होती है, तो इसलिए मैंने जस्ट स्प्रिंकल्स और चॉकलेट ही आई डोनट पे आपको लगा के दिखाऊंगी। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस पे शुगर सिरप भी लगा सकते हैं, आइसिंग शुगर लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो ये बन के बहुत टेस्ट। तो व्यूअर्स, ये 1.5 आवर के बाद ये काफी कूल गई थी, ये आप देख रहे हैं बाउल भर गया था। तो अब मैं इसको दोबारा गूंद के इसकी एयर बबल्स निकाल देंगे, तो फिर इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के इसको बेल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमने इसको निकाल लिया, इसको हम हल्के हल्के हाथों से इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको हम फोल्ड करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये हमने हाफ ले लिया आटा गूंदा हुआ जो, और हाफ हमने हल्के हाथों से बेल लिया। इसकी मोटाई इतनी रखनी है आपने, ना मोटा रहे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास कोई कटर है, डोनट कटर से अवेलेबल है, उससे कटिंग कर लें। आपके पास वो जो है कुकी कटर्स है, कुकी कटर से कटिंग कर लें, या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे इसको कटिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास कुछ कुकी कटर थे, मैंने उससे काटने की कोशिश की है, वो सही नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने नेक्स्ट जो है बैच, मतलब ये देखिए इसकी थिकनेस 1/2 इंच की है। तो अब हम इसको हल्का सा डस्ट कर लेंगे, मैंने ग्लास की मदद से, मेरे पास अभी डोनट कटर नहीं।